नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के सत्र में हम लोग अभ्यास 2A के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सत्र का प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन, यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, ऑल बटन को पुश कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को यूपी एकेडमी के बारे में बताते रहें। तो आइए प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो इसमें सबसे छोटी क्या है? शून्य है। बिल्कुल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। फिर कह रहे संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए प्रदर्शित करते हैं। सेम दूरी पर रेखा है, ये यहां फिर लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहां लेंगे, यहां लेंगे, एक यहां हम 0 लिखते हैं, यहां 1 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे। इस तरह से संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को प्रदर्शित कर दिया गया। इस तरह से आपके समक्ष पेश है प्रश्न संख्या 3। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। पहली और तीसरी का योग, देखिए पहली प्लस तीसरी संख्या का योग ये है 28। अब देखिए बीच की संख्या निकालते हैं। बीच की संख्या बराबर 28 का आधा कर देंगे, 28 का आधा। तो 28 का आधा करने के लिए 28 में हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। इस तरह से देखिए 14 प्राप्त हुआ। तो ये 14 कौन सी है? बीच की संख्या। तो चलिए हम 14 को यहां बीच में लिखते हैं और 14 के पहले क्या होगा? 13। 14 के बाद क्या होगा? 15। इस तरह से जो 3 क्रमागत संख्याएं होंगी, अतः हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याएं बराबर 13, 14, 15। इस तरह से ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4 अभ्यास 2A का। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मध्य की संख्या। देखिए ये हो गई मध्य की संख्या और इसके बाद होगी यहां बाद की संख्या और इधर होगी पहले की संख्या। देखिए प्रश्न में कह रहे मध्य की संख्या 39, तो देखिए यहां हम लिखेंगे 39। अब कह रहा है 39 के पहले कौन आएगा? तो देखिए 39 के पहले आएगा 38, फिर बाद में 39 के बाद क्या आएगा? ये होगा 40। इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ 38, 39, 40। पेश है आप लोगों के समक्ष अभ्यास 2A का अंतिम प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित क
कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या देखिए ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अब देखिए पूर्ण संख्या समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या इस एक से पहले हम शून्य लिख देते हैं। शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक जाती है कोई अंत। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या। तो देखिए ये शून्य को सम्मिलित किया गया है तो आपका आंसर यहां पर होगा शून्य। शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल करने शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है यानी आंसर आपका हुआ शून्य। आपकी पुस्तक में पेज 15 पर उदाहरण 1 दिया हुआ है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। संख्याएं ज्ञात के लिए हमको 3 संख्याएं ज्ञात करना है और यहां पर आपको पहली और तीसरी संख्या का योग दिया हुआ है 40। अब हम बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। बीच की संख्या और बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए इस योग का यानी पहली प्लस तीसरी का योग बटे 2 यानी 40/2 2 × 2 = 4 = 20। तो आपकी देखिए ये बीच की संख्या प्राप्त हो गई। बीच की संख्या ध्यान समझिए बीच की संख्या आपको ये 20 प्राप्त हुई। तो अब स्वाभाविक है कि पहले की संख्या लिख दीजिए इसके बाद की संख्या लिख दीजिए। तो यहां 20 के पहले क्या होता है 19 और 20 के बाद क्या होता है 21। तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 19, 20, 21। इस तरह से आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप लोगों से यही निवेदन कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की गणित पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी गणित धीरे धीरे सुधर सके मजबूत हो सके। इसी तरह क्लास 6 के बाद हम क्लास 7 की गणित पढ़ाएंगे, क्लास 7 के बाद क्लास 8 की गणित पढ़ाते हुए आगे हम बढ़ते जाएंगे। और प्रतियोगी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी बेसिक गणित को ध्यान से पढ़िए और प्रतियोगिता वाली जब मैथ में पढ़ाता हूं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रतियोगिता संबंधी मैथ आप पढ़ें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।